नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अशीम। तो अभी आपने कुछ झलकियां देखी मेरे लास्ट एपिसोड की। लास्ट एपिसोड में जिस लोकेशन के बारे में मैंने आपसे बात की, जो आपको लोकेशन दिखाई, तो आई एम सॉरी, मैं उसका जो है नाम आपको बताना भूल गया। ये फाजिलका से लगभग 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फाजिलका अबोर रोड के ऊपर विलेज है सजराना। तो सजराना विलेज के साथ ये वाटर लॉग्ड एरिया है, जहाँ पे ये वेटलैंड जो है बना हुआ है। तो काफ़ी अमेजिंग प्लेस है, देखने में काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। लेकिन इसको सही मायने में विंटर में आकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और क्या मतलब उस टाइम पे बर्डिंग का सिनेरियो रहता है। तो ज़रूर इस लोकेशन को हम विंटर में विज़िट करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसा माहौल है। लेकिन जो इस हैबिटेट और जो ये लोकेशन है, इसको देखकर लगता है कि यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स डेफिनेटली आते होंगे। और वैसे भी ये लगता है कि कुछ डिस्टरबेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना वहाँ पर घूमे तो उस एरिया में पब्लिक का आना जाना हमें कुछ खास लगा नहीं। तो ठीक है, अच्छी लोकेशन है, तो इसको हम विंटर में ज़रूर विज़िट करेंगे, देखेंगे कि क्या माहौल है। उसके बाद एक और छोटी सी लोकेशन है जो यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वो है गांव खुई खेड़ा। ये भी मतलब फाजिलका बोर रोड के ऊपर ही है। ये लोकेशन एक्चुअली जो सजराना वाली लोकेशन है वो रोड से काफ़ी हटके है, वो इंटीरियर में है। लेकिन ये खुई खेड़ा वाली जो लोकेशन है, ये मेन रोड के बिल्कुल पास में है। तो वो लोकेशन भी हमने सोचा कि देखी जाए। तो ये है वो लोकेशन खुई खेड़ा की। आते ही हमें यहाँ पे एक ट्री दिखा जिसके ऊपर बहुत सारे कॉर्मोरेंट जो हैं वो बैठे हुए थे, लिटिल कॉर्मोरेंट्स। तो उनकी एक पिक क्लिक की, ऐसा लगता था ये कि कॉर्मोरेंट ट्री है, बहुत बढ़िया लग रहे थे। तो ये कुछ इस तरह की लोकेशन है, बढ़िया है, अच्छी लग रही है, वेटलैंड बहुत अच्छा है, बीच में जो है वो सरकंडे वगैरह लगे हुए हैं, तो लगता है कि यहाँ पे बर्डिंग हो जाएगी अच्छी। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हमने क्लिक की, कॉमन सैंड पाइपर, और फिर उसके बाद हमें लिटिल रिंग्ड प्लोवर दिखा, और देन ये प्लेन प्रीनिया है, ये स्वेलोज बैठी हुई थी वायर के ऊपर, बहुत बढ़िया लग रही थी, स्पॉट बिल्ड डक। और ये इसमें काफ़ी सारी स्पीशीज हैं, ग्रेट इग्रेट, लिटिल कॉर्मोरेंट, नॉब बिल डक, पर्पल हेरॉन, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, तो काफ़ी सारी स्पीशीज इसके अंदर थी। और ये वुड्स एंड पाइपर। इसके बाद हम लोग आ गए फाजिलका शहर के अंदर। ये एक आर्टिफिशियली बनाया गया वाटर रिजर्वायर है, इसके अंदर लोटस फ्लावर की ग्रोथ है। तो
स्वर्ण पाजी ने बताया था कि यहाँ पे जकाना रिपोर्ट किया गया है, तो हम लोग भी यहाँ आए थे कि शायद हमें जो है जकाना देखने को मिल जाए। तो जकाना तो फिलहाल नहीं यहाँ पे मिला, लेकिन लोटस फ्लावर जो थे उनकी फोटोग्राफ खींचने का मौका मिला। देखने में लोकेशन परफेक्ट लग रही है जकाना के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे जकाना मिल जाए। तो फिलहाल तो लोटस की एक पिक क्लिक की और फिर जाते जाते ये ऊपर शिकरा घूम रहा था तो उसका भी एक फ्लाइंग शॉट मिल गया। तो दोस्तों ये था हमारा फाजिल्का के सराउंडिंग में एक छोटा सा वन डे ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लोकेशन अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन बढ़िया लगी हो। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और इसी प्रकार और बहुत से जो है बर्डिंग ट्रिप्स आते रहेंगे, या फिर कोई और अच्छी लोकेशन जो है वो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, आप लोगों की सपोर्ट ही मोटिवेट करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।